कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भीमा कोरेगा हिंसा में सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि मोदी सरकार यह काम साजिश के तहत कर रही है। सरकारी की शुरू से यह रणनीति रही है कि जो कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उस पर देशद्रोही और हिंदू विरोधी का लेबल चस्पा कर दो। यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है जिसका उद्देश्य समाज को बांट कर रखना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के नाली के किले वाले आपत्तिजनक बयान पर थरूर कहते हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के इस तरह के घटिया बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने इस बयान पर ध्यान भी नहीं दिया।